हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इमेज एंड शेप इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो आप चाहें तो आपके सिस्टम में जो भी इमेज है वो इंसर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ इमेज है वो इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप शेप भी इंसर्ट कर सकते हो। तो हम स्टेप बाई स्टेप देखते हैं कि आप किस तरह से ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। और लेक्चर के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि जिससे आपके वर्कशीट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। वो ट्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शीट को स्टैंड आउट करने के। तो चलो स्टार्ट करें। तो पहले हम बात करेंगे कि आप एक्सेल में इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन का एक सेक्शन मिलेगा, उसको एक्सपांड करो और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पिक्चर्स, शेप्स एंड आइकॉन। तो अभी हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो हम पिक्चर को एक्सपांड करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो इमेज आपके डिवाइस से ऐड कर सकते हो या ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इमेज ऑनलाइन सर्च करता हूँ। तो मैं ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सी इमेज चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ कैटेगरी है जैसे कि एरोप्लेन, एनिमल्स, सैंपल्स, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो इसमें से आपको जो भी चाहिए, जिस भी कैटेगरी की इमेज चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मुझे बिल्स के रिलेटेड इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिल्स टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बिल्स के रिलेटेड जितनी भी इमेज हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो हम इस इमेज से एक इमेज पिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इमेज आ रहे हैं, लेकिन ये सारे इमेज मेरे कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट नहीं है क्योंकि मुझे एक सिंपल आइकॉन चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑल साइज टाइप एंड लेआउट के फिल्टर्स मिलेंगे। जैसे कि आपको कौन सी साइज चाहिए, साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज चाहिए, या फिर कौन से टाइप का इमेज होना चाहिए, फोटोग्राफी होना चाहिए, क्लिप आर्ट होना चाहिए, लाइन डायग्राम या फिर ट्रांसपेरेंट। तो अभी के लिए मुझे एक क्लिप आर्ट चाहिए, तो मैं क्लिप आर्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जितने भी बिल्स रिलेटेड क्लिप आर्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी के लिए मैं ये पर्टिकुलर क्लिप आर्ट पिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इंसर्ट करते हो आप देखोगे जो उसकी ओरिजिनल साइज़ है इमेज की वो आपको शो कर रही है। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो इस पर्टिकुलर राउंड आइकॉन को पिक करके। जैसे इसको ड्रैग करो आपकी इमेज की साइज छोटी हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो हम इसको और छोटा करते हैं। और मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सेम उसी तरह से तो इसको बैलेंस बनाने के लिए मैं इसको कंट्रोल डी करके इसको कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल डी एक शॉर्टकट है जिससे आप डुप्लीकेट बना सकते हो, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ आइकॉन आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरह से आप शेप भी इंसर्ट कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पे कुछ टोटल हैं तो ये टोटल मुझे हाईलाइट करनी है। तो जब भी कोई यूज़र मेरे वर्कशीट पे आए तो सबसे पहले उसको ये टोटल हाईलाइट हो, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर टोटल को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके एक अराउंड हम शेप इंसर्ट करते हैं कि सबसे पहले अटेंशन यहीं पर जाए। हम फिर से इंसर्ट टाइप में जाते हैं, इलस्ट्रेशन में जाते हैं, आपको यहाँ पर शेप आइकॉन मिलेगा, आप सिंपल शेप पर क्लिक करो। जैसे आप शेप पे क्लिक करते हो वैसे ही शेप शेप एक्सपांड हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे शेप है। तो आप कौन सा भी शेप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हो स्टेटस बार पे आपको बता रहा है क्लिक एंड ट्रैक टू इंसर्ट द ऑटो शेप। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ। तो मान लो मैं बाहर ऐड कर देता हूँ जस्ट दिखाने के लिए, मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ माउस के राइट बटन से, और मैं कुछ इस तरह से राउंड रेक्टेंगल ऐड किया है। तो अभी मुझे इस राउंड रेक्टेंगल से एक टोटल हाईलाइट करनी है, तो मैं सिंपल इस
रेक्टेंगल को ड्रैग करता हूँ। तो जैसे मैंने ड्रैग किया, आप देख सकते हो हमारा जो एक्चुअल टोटल है वो अभी दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमने रिसेंटली रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो ये रेक्टेंगल हमारे टोटल के ऊपर आ चुका है, तो इसलिए जो बैकग्राउंड का डेटा है वो दिख नहीं रहा। लेकिन हमें बैकग्राउंड का डेटा देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी रेक्टेंगल में जो कलर फिल किया हुआ है उसको रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो। जैसे ही मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ वैसे ही शेप फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाती है। शेप फॉर्मेट टैब में आपको शेप स्टाइल सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा शेप फिल का, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नो फिल करना है। तो आप देख सकते हो जो भी पहले कलर फिल था वो चला गया है क्योंकि हमने नो फिल सेट किया है, और अभी हम बैकग्राउंड का डेटा देख सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉर्डर है वो अभी ब्लू कलर में है, इसको मैं चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो। तो अभी जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस बहुत छोटी है, इसलिए प्रॉपरली हाईलाइट हो नहीं रहा। इसलिए हम इसकी बॉर्डर की जो विड्थ है उसको चेंज करते हैं। तो विड्थ चेंज करनी है आपको शेप आउटलाइन में जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विड्थ, और यहाँ से आप विड्थ चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं 3 पॉइंट सेट करता हूँ और इसको प्रॉपरली थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हमारे सेल के अकॉर्डिंग ताकि ये प्रोफेशनल दिखे कुछ इस तरह से। उसके बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो राउंडेड कॉर्नर है वो कुछ ओवरलैप हो रहा है मेरे 30,000 के सामने जो सिंबल है उससे, तो इसके लिए इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे इस रेक्टेंगल को तो आपको यहाँ पे एक सेपरेट आउट येल्लो डॉट दिखेगा, तो इसका यूज़ करके आप इस रेक्टेंगल की जो एज है इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैं सिंपल इसको ड्रैग कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि इसका जो रेडियस है वो कम हो सके और हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है। उसी तरह से मैं और एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको शेप मोर क्लियर हो। मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इलस्ट्रेशन में, शेप्स में जाता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है 55.8 इसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे ताकि यूजर को समझ में आए कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस जो हुआ है वो इस पर्टिकुलर रो जो कि रेंट है उसमें हुआ है। तो इसलिए हाईलाइट करने के लिए मे बी मैं ये पर्टिकुलर शेप लेता हूँ जो कि ये एरो, लेफ्ट एरो, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करके इंसर्ट कर देते हैं हम कुछ इस तरह से। तो अभी आप देखोगे कि हमारी शेप बहुत छोटा है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आपको दो येल्लो डॉट दिखेंगे जिसका यूज़ करके आप शेप को मैनिपुलेट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ इस तरह से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, फिर जो एरो है वो कहाँ तक चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो इसको मैं कलरिंग कर लेता हूँ, तो इसको हाईलाइट करने के लिए फील्ड में मैं रेड कलर देता हूँ और इसकी आउटलाइन भी मैं थोड़ा डार्क रेड कर देता हूँ। वैसे ही अगर आप देखोगे तो इंसर्ट शेप में, इलस्ट्रेशन में कुछ और शेप है जैसे कि इमोजी है, इमोजी ले लो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इमोजी ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको येल्लो डॉट दिखेगा, इससे आप इस पर्टिकुलर शेप का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इस येल्लो को ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से आप मिलके इमेज जो है, जो अभी इसके एक्सप्रेशन है वो आप चेंज कर सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं कि आप किस तरह से स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं सिंपल एक नई शीट ओपन करता हूँ, तो इस शीट में हम स्मार्ट आर्ट्स ऐड करेंगे। तो आप इंसर्ट में जाओ, तो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाओ, इलस्ट्रेशन में जाओ, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आर्ट्स का, तो आप सिंपल स्मार्ट आर्ट्स पे क्लिक करो। स्मार्ट आर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि लिस्ट है, अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है तो लिस्ट में जाके कुछ स्मार्ट आर्ट सेट कर सकते हो, या फिर प्रोसेस है, या फिर साइकिल, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट या उस हिसाब से आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट पिक कर सकते हो। तो अभी के लिए हम एक प्रोसेस के लिए स्मार्ट आर्ट बनाते हैं, मैं सिंपल प्रोसेस सेट करता हूँ, और प्रोसेस में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस तरह का स्मार्ट आर्ट आपके प्रोसेस के लिए पिक करना चाहते हो। तो हम यहाँ यही से एक स्मार्ट आर्ट पिक करते हैं, जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ उस स्मार्ट आर्ट पर, वैसे ही एक टेक्स्ट कंटेक्स्ट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा
और स्मार्ट ऐड अपने आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। एक्चुअली अगर मैं इसको शेप से बनाना चाहता तो बना सकता था, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता, तो इसलिए 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस स्मार्ट ऐड को इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपको प्री डिफाइंड स्मार्ट ऐड मिले और आपका जो टाइम है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी हम कुछ प्रोसेस बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द पर्पस, मे बी इसमें हम ऐड करते हैं स्कोप, मे बी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिंपल लिखता हूँ सेंड फॉर रिव्यू। सेंड फॉर रिव्यू के में दो अलग अलग सेक्शन आएंगे, मेल द डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हो मैं सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, जो जैसे ही मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ उसके अकॉर्डिंग जो भी कंटेक्स्ट स्मार्ट ऐड पे है वो अपडेट हो रहा है। मान लो अभी मुझे और इसमें और एक सपोर्ट ऐड करना है, तो अभी मैं यहाँ पे है वो रिव्यू डॉक्स, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ तो और एक सब पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि ऐड कमेंट्स। और अगर मुझे यहाँ पे अभी हमने एक पॉइंट डाला, उसके बाद उसके सब पॉइंट, अभी मुझे और एक सब पॉइंट डालना है जो कि आप एंटर प्रेस करके डाल सकते हो, लेकिन अगर मुझे मेन पॉइंट डालना है तो मैं अगर एंटर भी प्रेस करता हूँ तो और एक सब पॉइंट ऐड हो जाएगा, नॉट मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखोगे कि अभी हम स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन सेक्शन में हैं और ये उसमें आपको क्रिएट ग्राफिक्स का एक सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोमोट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोमोट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप मेन सेक्शन में आ जाते हो। तो अभी आप देखोगे ऐड कमेंट्स ये आपको मेन सेक्शन में दिखेगा, मतलब मेन बुलेट पॉइंट है, नॉट सब पॉइंट। और इसके बाद में भी मैं और एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे ये अभी देखो अभी मैंने ऐड कमेंट कर दिया, उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये और एक बुलेट पॉइंट ऐड कर रहा है, लेकिन मुझे इसका सब पॉइंट चाहिए, तो मैं सिंपल टैप प्रेस कर सकता हूँ तो उसका एक सब पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लाइक कर देता हूँ, जो कि आप कर सकते हो लाइक शेयर कमेंट्स, उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो उसका और एक सब पॉइंट ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर से एंटर प्रेस कर देता हूँ, लेकिन मान लो मुझे अभी मेन पॉइंट चाहिए तो मैं शिफ्ट एंड टैप प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस टैप प्रेस कर सकता करता हूँ वैसे ही ये प्रोमोट हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस टैप, उससे आप प्रोमोट हो जाएंगे तो सब पॉइंट से आप मेन ऑप्शन में आ जाओगे और यहाँ पे सबमिट। तो कुछ इस तरह से स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग करनी है तो आप स्मार्ट आर्ट में जाओ, यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टाइल सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से आप कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2D है तो आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो कि आपको कौन सा आइकॉन अच्छा लग रहा है। अगर आपको और उसको फॉर्मेटिंग करनी है तो आप चेंज कलर में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि कुछ इस तरह के कलर भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपको कस्टम कलर चाहिए तो आप खुद से भी इसको कलर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लू को कुछ चेंज करना है, मे बी मुझे इसको रेड करना है, तो आप सिंपल वो पर्टिकुलर आर्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाओ और यहाँ से आप इस पर्टिकुलर आर्ट को चेंज कर सकते हो। सेम वैसे मैं इसके लिए भी करता हूँ। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। टिप्स ये है, जितने भी आप स्मार्ट आर्ट यहाँ पे ऐड करो, जितने भी पिक्चर्स ऐड करो, जितने भी इमेज ऐड करो, क्लिप आर्ट ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, लेकिन आपकी जो एक्सेल शीट है वो ज़्यादा क्लटर नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा मत करो। अगर आप ज़्यादा करोगे तो जो भी डेटा है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ डाला है। तो हमेशा याद रखना कि आपकी एक्सेल शीट क्लीन होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल दिखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप मुझे अगर और मोटिवेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। हमारा बेसिक एम है इस चैनल का कि हम ये सारी जानकारी और जो भी टैक्टिक है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो आप इस यूट्यूब के चैनल से सीख सकते हो। थैंक यू।